के होते थे. इनफैक्ट मेरे फैमिली में दो डेथ हुई है ओनली बिकॉज ऑफ दिस. सो घर में ही देखा हुआ है. अभी यंग, अभी इसकी मुझे बात करने की जरूरत नहीं है. आप देख रहे हैं यंग पेशेंट्स. पहले एक धारणा थी कि जी ओल्ड पेशेंट लोग, ओल्ड को कैंसर होता है, यंग को तो नहीं होता है, बट आपके सामने केसेस हैं. सी यूपी में, पूरे भारत में रोज 5500 बच्चे, यूपी का आंकड़ा 850 है लगभग. इनफैक्ट ये आंकड़ा बढ़ चुका है. सी दो स्ट्रेटजीज हैं, एक तो या तो हम जो शुरू कर चुके हैं उनके पीछे. सो ये तंबाकू नियंत्रण के लिए है. पुलिस ने बहुत अच्छा अहम कदम उठाया है कि यहाँ पर यूपी में हम सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट जो है उसकी पालना करेंगे. यहाँ पर हम लोग प्लेज फॉर लाइफ टोबैको फ्री यूथ कैंपेन जो है उसकी शुरुआत कर दिए हैं यहाँ पर. एजुकेशन विभाग से और पुलिस डिपार्टमेंट एंड हेल्थ डिपार्टमेंट सब लोगों का बहुत अच्छा सहयोग है यहाँ पर. हम लोग बहुत खुश हुए थे कि मतलब हम जब फर्स्ट टाइम ही मीटिंग करने गए हैं बहुत अच्छा हमें सपोर्ट मिला है. और हमें पूरी आशा भी है. डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, डॉक्टर राधा रानी घोष, एक वॉइस ऑफ टोबैको विक्टिम्स का कैंपेन के पूरे डॉक्टर्स हैं. सब लोग मिलकर प्रिवेंशन पर काम कर रहे हैं. आप आज डॉक्टर राधा रानी पूरा अपने केसेस छोड़कर यहाँ पर आए हैं ताकि हम लोग बच्चों को बचा सकें. बैन कर सकते हैं बिल्कुल. मेरे को मैंने आपको पहले बोला कि मुझे पूछेंगे तो हम लोग जरूर बैन करना चाहेंगे. कितने साल से राजश्री का? 10-15 साल. मैं एक्चुअली कमला नेहरू हॉस्पिटल में अटैच्ड हूँ. जैसे आप लोगों को पता है वो रीजनल कैंसर सेंटर है, क्षेत्रीय कैंसर संस्थान है. यहाँ हम लोग करीब करीब साल भर में 8,000-9,000 मरीज़ देखते हैं, नए मरीज़ कैंसर के. और इसमें जो भी है 20% जो है, 20-30% तक तंबाकू से संबंधित कैंसर होते हैं मुँह का और गले का. आज मैं दो मरीज़ भी लेके आई थी आप लोगों के सामने. और ये मरीज लोग जो भी आते हैं वो बहुत ही एडवांस स्टेज में आते हैं जब इनका इलाज करना मुश्किल है. हालांकि ये जो भी कैंसर है मुँह का और तंबाकू से रिलेटेड, अगर ये प्राथमिक अवस्था में इसका इलाज होता है तो वो बिल्कुल जड़ से ठीक होने वाला होता है. लेकिन खासकर ही मरीज बहुत लेट आते हैं जहां हम लोगों के लिए बहुत कुछ करने को नहीं बचता. हाँ, ये तो लगता है. हम लोग बहुत सारे ऐसे मुहिम भी छेड़े हैं लेकिन गवर्नमेंट भी अपने स्तर पे काम करती है. वो भी चाहती तो है कि तंबाकू बंद हो जाए लेकिन टबैको लॉबी इज स्ट्रॉन्ग टू फाइटिंग द टबैको लॉबी अगेन. वी आर ऑल ट्राइंग टू डू दैट.